हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। और सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी बोल में एक कप हम यहाँ पर हल्का गुनगुना वाटर ले लेंगे, इसे इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड करेंगे, ये पिसी हुई चीनी है जिसे इसमें ऐड कर लेंगे हम। और इस शुगर को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ईस्ट बिल्कुल एक्टिवेटेड है। तो अब हम इस ईस्ट को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस बोल को 10 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपनी ईस्ट को चेक करेंगे यहाँ पर। तो अब हम इस ईस्ट में 2 कप प्लेन फ्लावर यानी मैदा ऐड करेंगे। इसे कप से मैंने मेज़र कर लिया, ये 2 कप है। और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे ऐड करें, इससे हमारा डो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होता है। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। बेकिंग सोडा से हमारी ब्रेड यहाँ पर अच्छे से फूलती है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। और अब हम इस डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे ऑयल से, ताकि जो हमारा डो स्टिकी है वो बिल्कुल चिकना हो जाए। यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे इसके कॉर्नर्स में और इसे नीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टिकी सा मैंने डो बनाया है। और ऐसे ही आपको इसका डो ऐसे ही बनाना है। तो इसमें हम ऑयल हल्का सा डालकर इसे चिकना कर देंगे ऊपर से। तो अब हम इस बोल को क्लीन रैप से यहाँ पर कवर कर लेंगे। अब हम इसे किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये डो हमारा अच्छे से फूल जाए। हमें इसे तब तक रखना होगा जब तक ये डबल से ट्रिपल साइज़ का नहीं हो जाता हमारा डो, तब तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत जल्दी ये फूल जाता है, और थोड़ा ठंड का मौसम रहता है तो इसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो किसी गर्म जगह पर आप अपने घर पर जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो वहाँ पर आप इसे रख दें तो जल्दी ये फूल जाएगा, क्योंकि हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करना है प्री हीट के लिए। तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा ओवन यहाँ पर प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्री हीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डो अच्छे से फूल गया है। तो इस क्लीन रैप को हम हटा लेंगे। ऐसे ही हम काउंटर पर थोड़ा सा प्लेन फ्लावर स्प्रिंकल कर लेंगे और इस डो को इसके ऊपर रख लेंगे हम। अब हम इस डो को 6 पोर्शन में कट कर लेंगे। हमें जिस भी बेकिंग डिश में इस पाव को बनाना है उसे ऑयल या बटर से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। मैं इसमें बटर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें बटर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो इसे हम चिकना कर लेंगे और इस बेकिंग डिश में रख लेंगे चिकना करके। इसे हम 1/2 घंटे के लिए ऐसे कवर करके रख देंगे। फिर उसके बाद इसे हम बेक करेंगे ताकि हमारे बंस अच्छे से फूल जाए। और ये 1/2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे बंस जो है काफी बड़े साइज के हो गए। जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी जल्दी हमारे बंस जो है फूल कर बड़े हो जाते हैं। तो ओवन में जाने से पहले आपको इस चीज को माइंड में रखना है, आपको इसे अच्छे से फुलाने के लिए आपको इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए जितना भी पॉसिबल हो पाए, अगर ठंड है तो 1 घंटे के लिए और गर्मी है तो 1/2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे बंस जो है फूल कर बड़े हो जाते हैं। तो अब हम के सरफेस के ऊपर चिल मिल्क को अप्लाई करेंगे। आप चिल वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर लेंगे हम। इससे हमारी बंस जो है ऊपर के साइड से ड्राई नहीं होंगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। तो अब हम इसके ऊपर सेसमिक सीड्स यानी कि सफेद तिल ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, ताकि अच्छा लगे देखने में।
तो अब हम इन बंस को बेक करेंगे। अगर आपके ओवन में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका सरफेस से चीजें बर्न हो जाती हैं, आप इसे कवर करके, मेरा मतलब एल्युमिनियम फॉइल से आप इसे कवर करके बेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी चीजें बेक हो जाएंगी और सरफेस से बर्न नहीं होंगी। और अगर नहीं बर्न होती हैं तो आप ऐसे ही इसे ओवन में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। हमारा ओवन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो इस बेकिंग डिश को हम इसके अंदर रख देते हैं और इसे बेक कर लेते हैं। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक करें, क्योंकि इस ओवन में केवल ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड है, तो इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप केवल कन्वेक्शन मोड पर ही इसी टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेंगे, बस टाइम आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड के कंपैरिजन में। बेक करने के लिए टाइम सेट करेंगे, टाइम हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट का सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 मिनट एंटर कर देते हैं। अगर आप केवल इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रहे हैं तो इसे आप 10 से 12 मिनट इसे बेक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और ये हमारे बंस यहाँ पर 80% तक कुक हो चुके हैं। तो एक बार फिर से इसमें हम मिल्क को अप्लाई कर लेंगे ऊपर से। इससे क्या होता है, इवनली ये जो ऊपर का टॉप है वो ब्राउन हो जाता है, बराबर से ही ऊपर से टॉप से ब्राउन दिखेगी हमारी बंस और अंदर से अच्छी से पकी होगी। ये देखिए मैंने बचाकर ऐसे ही लगा दिया है, आप भी ऐसे ही अप्लाई कर लें। तो अब हम इसे ओवन को फिर से बंद कर देंगे और इसे बेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बंस यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप ऊपर से अगर कम ब्राउन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया है। अंदर से भी अच्छे से पकी होगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी पकी हुई है। तो ये देखिए हमारे बंस यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जालियाँ बनी हुई हैं।